ओम, कैसे हैं ऑल फ्रेंड्स? ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक है हम टेंडा या टीपी लिंक, जो भी राउटर 0.1 से खुलते हैं। अगर हम जैसे टेंडा का न्यू राउटर लेते हैं या हमारा रीसेट हो जाता है, सेम सेटिंग है ओवरऑल जो है, ये सेटिंग होती है, ये कनेक्ट करने लगे हैं हम वाईफाई को। टेंडा का हमने न्यू राउटर लिया है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। जी, हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने चले जाना है पैड में। इसकी जो आईपी होती है, बेसिकली जो भी टेंडा के राउटर होते हैं उनकी जो आईपी होती है वो होती है 192.168.0.1। ये टेंडा के ओवरऑल राउटर्स की ये आईपी होती है। तो हमने जाके यहाँ लिखना है गूगल क्रोम के फर्स्ट पेज के ऊपर 192.168.0.1। तो हम लॉगिन करेंगे। यहाँ हमने जो सर्विसेज, अगर हम ट्रिपल पीपीओ जो होती है सर्विसेज, ये होता है बेसिकली इंटरनेट किसी भी आप प्रोवाइडर से ले रहे हैं, बेसिकली ये सेटिंग होती है यूजर नेम और पासवर्ड वाली। और अगर हम राउटर के आगे राउटर लगाना चाहते हैं, जैसे एक्सटेंडर के तौर के यूज करना चाहते हैं, उस पे हम डायनामिक आईपी यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम इंटरनेट बैक से ले रहे हैं, किसी आईएसपी से ले रहे हैं, साजिद आईएसपी से हम ले रहे हैं, तो इससे हमारी जो यूजर नेम हम डायल करेंगे प्लस हम पासवर्ड इसमें डालेंगे, ठीक है। वाईफाई का नेम है, हम वाईफाई का नेम भी साथ चेंज कर देंगे। और उसके बाद हम पासवर्ड लिख लेंगे कोई भी जो आपने रखना हो। तो हम इसको सिंपल सेटिंग है, सेव कर देना है। तो ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई, हमारा न्यू जो राउटर था वो कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमारा इंटरनेट इस पे चल जाएगा। जी, हमारे सिग्नल आ गए साजिद आईएसपी, इस पे हम कनेक्ट करेंगे। अब ये सेम सेटिंग होती है, अगर लैपटॉप पे आपने करना है तो लैपटॉप पे भी और मोबाइल पे भी ये सेम सेटिंग होती है। तो ये हमारा इंटरनेट चल गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें।